हेलो दोस्तों, जयखंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शांतनु। और दोस्तों, आज मैं AI के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल अभी सॉफ्टवेयर में होने लग गया है, और ये किस तरह काम कर रहा है सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर इससे क्या लाभ उठा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं वो इससे क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर में AI आ चुका है, जिससे आपके सॉफ्टवेयर में काम करने का जो अनुभव है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और रिजल्ट भी दोस्तों ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर में, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो। दोस्तों, आज इस टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ, और ये वीडियो लंबी नहीं होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, मैं अगर AI की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, मैं कृत्रिम बुद्धि की बात करूँ। कृत्रिम बुद्धि जो टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है। अब मैं अगर मैं बात करूँ कि रोबोट्स की, तो रोबोट्स में अगर AI लग गया तो रोबोट्स जो हैं अपना खुद का ब्रेन लगाकर सारे काम कर सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं वो AI से। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। पर मैं यहाँ पे बात करूँगा AI का यूज़ जो सॉफ्टवेयर में हो रहा है, तो इससे क्या लाभ हो रहा है दोस्तों दूसरों को, तो इसी बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और मैं क्लाउड सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है AI का यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है उसकी मदद से दोस्तों हमारे काम को जो है बिना मतलब ज़्यादा मेहनत के बहुत ही कम समय में पूरा किया जा रहा है। और ऊपर से रिजल्ट देखो, रिजल्ट जब आता है, जब हम फोटो एडिटिंग करते हैं तो जो हम प्रीव्यू देखते हैं उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो इस वजह से जो AI है काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन रहा है सॉफ्टवेयर के लिए, और क्लाउड सॉफ्टवेयर के लिए भी। अब दोस्तों, धीरे धीरे ये सभी सॉफ्टवेयर में यूज़ होने लगा है AI, ताकि आप लोगों को सब आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आपको अच्छा अनुभव मिले, आपको अच्छे फंक्शंस मिले, आपका काम भी जल्दी हो, और आप कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, कृत्रिम बुद्धि का यूज़ अब सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से हैंडल्ड हैं यूज़र के ऊपर, कि यूज़र उन्हें अच्छे से हैंडल करें, और यूज़र्स के ही ऊपर है कि वो AI का यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर्स में। ओके दोस्तों, कृत्रिम बुद्धि का यूज़ करना, कृत्रिम बुद्धि जो है, हमने जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक कृत्रिम बुद्धि है जो खुद से कई चीज़ें कर लेती है, खुद से कई सारे फैसले ले सकती है, और कई फैसलों को मिटा भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर मैं रोबोट्स की बात करूं तो यहाँ पे रोबोट्स जो हैं कुछ भी कर सकते हैं कृत्रिम बुद्धि के साथ। तो लेकिन अगर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, AI को भी हम कंट्रोल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कृत्रिम बुद्धि को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर जो दोस्तों अभी के टाइम में दोस्तों सॉफ्टवेयर जो हैं ऐसे आ रहे हैं जिनको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑनलाइन चलते हैं क्लाउड पर। और जितना हो सके AI जो है इन्हीं ज़्यादा क्लाउड में काम कर रहा है, क्लाउड में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। और कहना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दोस्तों बहुत सारे बेहतरीन कामों को पूरा किया जा रहा है, और रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है हमको। हमको मतलब उन सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हमारे ऑफलाइन थे बिना AI की, यानी कि विदाउट AI के जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे उनमें हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन सॉफ्टवेयर में जब AI आया तो क्लाउड सॉफ्टवेयर में जो है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और वो जो डेवलपर हैं वो चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हों वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हों, परफॉर्म अच्छा करें, रिजल्ट और बेहतर दें, ताकि जो है उनकी उनका भी जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी बहुत आगे बढ़े, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनाता है, डेवलप करता है, वो भी यही चाहता है कि किसी भी तरह से यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा काम करने को मिल जाए और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों AI जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और AI की मदद से ही हम और भी बेहतर काम कर पाएंगे सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। और AI की मदद से तो दोस्तों हम कई सारे जो मुश्किल काम है अभी के टाइम में जो हमें मुश्किल लगते हैं वो आगे जाके बहुत आसान हो जाएंगे, और कोई भी उसे कर पाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर में AI का यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं कि कितने सॉफ्टवेयर जो हैं और कितने नए सॉफ्टवेयर जो हैं वो AI के साथ आने वाले हैं, आपके भी सामने और मेरे भी सामने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कोई भी कमेंट करना चाहते हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और द एक्शन चैनल पसंद आता है आपको तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।